नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन माता रानी ने दरबार में कलश स्थापना को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। यह तस्वीर श्याम नगर स्थित शिव दुर्गा मंदिर की है। हल्की बारिश के बावजूद हजारों कन्याओं ने कलश यात्रा में भाग लिया और करीब 7-8 किलोमीटर का रास्ता तय कर बारिश में भीगते परमानी नदी से कलश में जल भरकर मंदिर प्रांगण पहुंचे। कलश यात्रा में शामिल कन्याओं की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। मालूम हो कि श्याम नगर के शिव दुर्गा मंदिर में नवरात्र के प्रथम दिन से ही कई तरह के धार्मिक आयोजन की शुरुआत भी हो जाती है, जिससे 10 दिनों तक यहां का माहौल भक्तिमय बना रहता है, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुपौल से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता मोहम्मद रहमतुल्लाह की खास रिपोर्ट। कथा प्रवचन होगा और 2-3 रोज राम अभिषेक होगा। यही जो राजीव बाबू के अथक प्रयास से सारे बाहर के लोग आए हुए हैं, महात्मा लोग। अभी यहाँ सुबह में 108 जितने भी महिलाएं थे, वो थे मतलब कलश यात्री। 1000 कलश यात्री निकली थी, उसका अभी यहाँ से हो के आ गया है। उसके बाद आज शाम से मतलब 6 बजे से वहाँ भागवत कथा चलेगा, रामलीला है। और मतलब बहुत देश के यहाँ मतलब महात्मा सब मतलब जो डिस्कॉम के मतलब जो बड़े बड़े हैं वो सब आ रहे हैं और भी बहुत कार्यक्रम है। कितने दिनों तक ये कार्यक्रम है? ये एक 10 दिन चलेगा, 12 तारीख का। हरे कृष्णा, अभी आज से नवरात्र शुरू हो रही है, तो नवरात्र के उपलक्ष्य पे श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन किया गया है। आज सुबह सुबह हमने कलश पूजन कर लिया, तो आज के 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का इधर कथा होगा, पूजन होगा, सबके लिए प्रसाद होगा, सब लोग कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। तो हम सब लोग वृंदावन मथुरा से आए हैं, जो कथा करने वाले वृंदावन से भी आए हैं। फिर अलग अलग यज्ञ वगैरह होंगे, पूजन होगा, सबके लिए भंडारा हो जाएगा और इसी के माध्यम से भगवान के नाम का प्रचार हो जाएगा। इस देश विदेश से भी भक्त आए हैं हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, तो 7 दिन ऐसा प्रोग्राम चलता रहेगा। कहाँ कहाँ से पंडित लोग आए हैं यहाँ पे? मथुरा वृंदावन से आए हैं, कुछ राजस्थान से आए हैं, कुछ महाराष्ट्र से आए हैं और कुछ देश विदेश से भी। जैसे कुछ विदेशी लोग हैं कीर्तन करने वाले, विदेश से भी आए, अफ्रीका है, कुछ रशियन से, वो भी आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानवान कृष्णदास है और मैं वृंदावन मथुरा में रहता हूँ और इधर यज्ञ करूँ का कलश पूजन के लिए। मैं मोहम्मद इरफान, मेरा घर रामपुर पंचायत है। वर्षों से यहाँ पर दुर्गा पूजा का मेला संबंधित शिव पूजा क्या कहते हैं शिवरात्रि का मेला लगाया जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मनाते हुए हम सभी भाई मिलकर ये सभी पूजा का आयोजन करते हैं और एक साथ मिलकर सभी जो आज कलश यात्रा हुआ 8-3 तारीख से 12 तारीख तक यह प्रोग्राम चलेगा और बहुत ही सुनियोजित ढंग से चलेगा। यहाँ के आयोजन करता हमारे पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि और राजीव भाजी और मुखिया पूर्व राकेश कुमार रामपुर पंचायत। दुर्गा पूजा को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम किया गया? यह महोत्सव हम लोगों ने, यह दूसरी बार का महोत्सव है हमारा। यह हमारा 10 दिन का महोत्सव है, जिसमें आज 1008 के कलश की स्थापना हमने करवाई है और इसके बाद आज से लेकर सप्तमी तक प्रतिदिन शाम के 4 बजे से भजन कीर्तन संध्या और 7 बजे से 6 बजे से भगवत और महाभागवत का कार्यक्रम है, जिसमें देश और विदेश, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, रशिया और भारत के मथुरा, वृंदावन, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बहुत सारे स्कोन के महान महान ब्रह्मचारी भक्तवृंद लोग आए हैं। उनके माध्यम से यह कार्यक्रम होगा और अष्टमी के दिन श्रीराम विवाह का आयोजन विशेष टीम के द्वारा, अयोध्या से विशेष टीम आ रही है, जिसमें अयोध्या को श्रीराम विवाह, अयोध्या से आने वाली टीम अष्टमी को राम विवाह, नवमी को हम लोगों ने सीता माता की सीता की विदाई वो विशेष कार्यक्रम रखा है और दसवीं को पहली बार उत्तरी बिहार में राम राज्याभिषेक अयोध्या की विशेष टीम के द्वारा किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही अलौकिक
और अभूतपूर्व होगा, यह देखने योग्य होगा। मैं अनुरोध करूंगा पूरे कोसीवासी से कि श्याम नगर की धरती पीपरा जो सुपौल जिले में है, यहाँ आकर इसका आनंद लें। और एक हमारा संकल्प मैं शुरू करने जा रहा हूँ, नशा मुक्त कोसी। हमारा संकल्प है नशा मुक्त कोसी, उसके अभियान को भी मैं इसी मंच से इस बार शुरू करने जा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन, मैं श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज का CMD हूँ और मैं यहीं का रहने वाला हूँ।